हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हेलो इंडिया में। और दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हम आपको बता दें कि अपने चैनल हेलो इंडिया के माध्यम से हम हमारे देश के पर्यटन और उनके इतिहास से जुड़े बेहद रोचक जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी अपने इस वीडियो में हम आपको भारत के एक बेहद खूबसूरत शहर लेकर चलेंगे, और साथ ही हम आपको यहाँ के एक ऐसे राजमहल के विषय में बताएंगे जो कि रेगिस्तान में जन्नत के समान खूबसूरत है। रेगिस्तान का नाम सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम आखिर किस शहर के विषय में बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सही समझा आपने। आज हम आपको राजस्थान के एक ऐसे ऐतिहासिक शहर के एक बेहद खूबसूरत राजमहल की यात्रा पर ले चलेंगे जो थार रेगिस्तान का एक अनमोल खजाना है। तो बने रहें हमारे साथ और हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आप जो ये महल देख रहे हैं, ये राजस्थान के बीकानेर में स्थित गजनेर महल, जो कि गजनेर के जंगलों में एक झील के किनारे बसा हुआ है। गजनेर झील के किनारे बसा ये महल राजस्थान के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है। बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गजनेर पैलेस 6000 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी भव्यता और सुंदरता के विषय में जितना कहा जाए सब कम है। शहर की भागती दौड़ती जिंदगी से कोसों दूर गजनेर के जंगलों में बसा ये हेरिटेज साइट मन को बेहद सुकून देने वाला है। दोस्तों, ये तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है कि ऐसा कोई शख्स होगा जिसे प्रकृति से प्यार ना हो या जो प्राकृतिक खूबसूरती के बेहद करीब ना रहना चाहता हो। आज के इस प्रतिस्पर्धा से भरे जीवन में हम सब अपनी जरूरतों को पूरा करने में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ सुकून भरे पल बिताने के लिए समय नहीं निकाल पाते। लेकिन समय तो आखिर इसी व्यस्तता में निकालना पड़ता है। इस लिहाज से गजनेर पैलेस एक बेहद उम्दा विकल्प है आपके पास। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा मानो आप किसी और ही नई दुनिया में आ गए हों, जहाँ उन जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यस्त जिंदगी के पीछे भागने से आपका कोई सरोकार ना हो। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सुकून है। शाम को झील के किनारे सूर्यास्त का नजारा जन्नत सा खूबसूरत होता है। गजनेर पैलेस का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था, और 1976 यानी कि 1976 में इसे एक हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया गया था। ब्रिटिश काल के दौरान इस महल का निर्माण शाही लोगों और अंग्रेज अफसरों के रुकने और आराम करने के लिए करवाया गया था, जब वो गजनेर के महलों में शिकार के लिए आया करते थे। अन्य शब्दों में आप कह सकते हैं कि दरअसल ये राजमहल एक हंटिंग रिजॉर्ट था। इस राजमहल के शाही मेहमान नवाजी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ के खास मेहमानों की लिस्ट में प्रिंस ऑफ वेल्स 1905, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड एल्गिन और लॉर्ड माउंटबेटन जैसे ब्रिटिश अधिकारियों का नाम शामिल है। प्राकृतिक खूबसूरती और अपने बेजोड़ वास्तुकला के साथ साथ ये महल अपने उस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के अवशेषों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसके जरिए 1922 में ये हंटिंग रिसॉर्ट बीकानेर के राजमहल से जुड़ा हुआ था। गजनेर पैलेस में जब आप प्रवेश करेंगे तब आपको मुख्य महल से पहले वो स्थान दिखेगा जो प्राचीन समय में घोड़ों के रखने के लिए प्रयोग किया जाता था। महल के परिसर में आते ही आपको हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हरियाली दिखेगी। चूंकि इस महल को एक हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया गया है, इसलिए इसकी मेंटेनेंस बहुत अच्छे से की जाती है। महल की वास्तुकला में राजपूताना शैली देखने को मिलती है, और साथ ही यहाँ हर तरफ दीवारों और दरवाजों पर टंगे लालटेन भी यहाँ की खूबसूरती और सुकून में चार चांद लगा देते हैं। राजस्थानी परंपरा को आज भी इस महल में बेहद सहेज कर रखा गया है। महल में अलग अलग रेट्स पर कमरे मौजूद हैं, और यहाँ दो बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ आप शाही खाने का लुफ्त उठा सकते हैं।
आपको यहाँ राजस्थानी व्यंजन के साथ साथ इंडियन कॉन्टिनेंटल और मुगलई व्यंजन मिलेंगे। अगर आपका मन करे तो आप रेस्टोरेंट्स के अंदर बैठकर लजीज खाने का लुफ्त उठाएं। और अगर आप यहाँ की यादों को और भी ज्यादा खूबसूरत और यादगार बनाना चाहते हैं, तो आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ ओपन डाइनिंग या झील के किनारे लगे डाइनिंग सर्विस के जरिए बेहद सुकून भरे पल बिता सकते हैं। गजनेर पैलेस की खूबसूरती शाम के समय झील को छू कर आती हुई ठंडी हवाओं के बीच चिड़ियों की चहचहाहट के साथ डूबते सूरज को देखते हुए और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उस वक्त यहाँ की हवाओं में एक ऐसी रुमानियत भरी होती है जो आपको पल भर के लिए ही सही जिंदगी के सारे उलझनों से कोसों दूर लेकर चली जाती है। शाम के समय आप यहाँ राजस्थानी लोक संगीत और लोक नृत्य का भी आनंद उठा सकते हैं। यहाँ बहुत से प्रवासी पक्षी आते हैं और साथ ही आप यहाँ काला हिरण, नीला बैल और नील गाय को भी देख सकते हैं। गजनेर पैलेस चार विंग्स में बटा हुआ है, जिसके नाम हैं डूंगर निवास, मंदिर चौक, गुलाब निवास और चंपा निवास। महल में बने झरोखे और छत बीते जमाने के शाही राजस्थानी परंपरा और संस्कृति की याद दिलाते हैं। इस महल में 13 ऐतिहासिक कमरे मौजूद हैं, जिन्हें अपने वास्तविक रूप में ही रखा गया है और अब जो होटल के कमरों के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। आपको यहाँ फर्नीचर के डिटेल से लेकर तस्वीरों तक की छोटी छोटी जानकारियाँ जानने को मिलेंगी। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हमारे देश में डेस्टिनेशन वेडिंग का ट्रेंड बहुत बढ़ चुका है और लोग अपनी शादी से जुड़ी हर छोटी छोटी याद को बेहद यादगार और खास बनाना चाहते हैं। ऐसे में राजस्थान के बाकी हेरिटेज होटलों के साथ गजनेर पैलेस झील के किनारे और चारों तरफ से जंगलों से घिरा होने की वजह से एक लोकप्रिय वेडिंग डेस्टिनेशन है। तो दोस्तों, अगर आप राजस्थान जा रहे हैं तो बीकानेर के इस खूबसूरत महल जाना ना भूलें, जो बीकानेर से बस 30 मिनट की दूरी पर है। अगर आप उस शाही एहसास को महसूस करना चाहते हैं जो हमारे देश के सारे खास ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है, तो आपको यहाँ एक बार जरूर जाना चाहिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले कि आपको हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा और साथ ही अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें।